नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आ पहुंचे हैं विदिशा चुनाव का जायका लेने। और बात आज की बड़ी खबर की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शहडोल दौरे से एक बार फिर आदिवासी सियासत के सेंटर में प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो मोदी ने गारंटी के जरिए जनता को जो भरोसा दिलाया, ऐसे ही भरोसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी दिखा रही है। तो क्या है इस बार गारंटियां, चुनावी वेतरणी पार लगाएगी, इस रिपोर्ट से समझिए। देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपये की गारंटी का कार्ड देता है। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मोदी गारंटी का भरोसा दिलाया। शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत करने पहुंचे पीएम मोदी ने जय सेवा जय जोहार के साथ अभिवादन किया और आदिवासियों की अनदेखी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए इसे संवेदनशील विषय बताया। इसके साथ ही पीएम ने रानी दुर्गावती जयंती को लेकर बड़ा ऐलान किया। वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा, रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा। उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर घर पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। जनसभा के बाद पीएम मोदी खाट पंचायत में आदिवासियों के बीच पहुंचे और उनसे रूबरू होकर संवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के पूरे शहडोल दौरे में गरीब, आदिवासी और गारंटी सेंटर में थे। तो ग्वालियर से चुनावी कैंपेन लॉन्च करने आए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी गारंटियों के वायदे कर दिए। ऐसी ही कुछ गारंटी प्रियंका गांधी भी देती नजर आई थी जब वो चुनावी शंखनाद करने जबलपुर में जनता के बीच पहुंची थी। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली हाफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली मिलनी हाफ होगी, मतलब आधी। कुल मिलाकर आदिवासी वोटर्स और गारंटियों के बहाने मध्य प्रदेश चुनाव की पिच दोनों पार्टियों के दिग्गज तैयार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इसी पर 2023 का टूर्नामेंट खेला जाना है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की दमदार पारी के आगे दूसरी पार्टियां कितना टिक पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।